नमस्कार बच्चों, नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास टेंथ चैप्टर ट्वेल्थ और टॉपिक है साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पॉपुलेशंस। जनसंख्या जो है उस जनसंख्या का आकार और उसका वितरण क्या है, मतलब टॉप 10 कंट्रीज की बात करेंगे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, जो जनसंख्या के आधार पर टॉप 10 के अंदर शामिल होती है, टॉप 10 में गिनी जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे सामने एक पूरी लिस्ट दी हुई है, हम इसको ट्रिक से याद भी करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट नाम है चीन। तो ये तो हर बच्चा जानता है कि चीन जो है वो जनसंख्या के मामले में सबसे नंबर वन है। ठीक है, और सेकेंड नंबर पे भारत का स्थान है जनसंख्या के नंबर पे। सबसे नंबर वन पे चीन और दूसरा है भारत। अब भारत जो है, भारत को हम इंडिया कहते हैं, भारत को हम इंडिया भी कहते हैं। अब देखो, इंडिया से जुड़ा हुआ, इधर सेकेंड नंबर पे इंडिया है, तो टू वन जा टू और टू टू जा फोर। चौथे नंबर पे कौन सा है, इंडिया से जुड़ा हुआ है इंडोनेशिया। इंडिया से जुड़ा हुआ कौन सा है, इंडोनेशिया। तो हमने तीन नाम याद कर लिए, फर्स्ट नेम चाइना फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर पे जो है वो है भारत, और भारत को हम इंडिया कहते हैं। तो इंडिया का सेकेंड नंबर है, तो टू वन जा टू, टू टू जा फोर पे क्या है, इंडिया से बना इंडोनेशिया। ठीक है, टू थ्री जा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स की बात कर रहे हैं, तो टू थ्री जा सिक्स और सिक्स नंबर पे जो है भारत का ही, भारत से जुड़ा हुआ एक भारत का टुकड़ा है जिसका नाम है पाकिस्तान। तो सिक्स नंबर पे जो है वो कौन है, पाकिस्तान। तो हमने तीन जो कंट्रीज के नेम है, देशों के नाम है, तीन देशों के नाम वो तो हमने याद किए, दो के पहाड़े से, टू के टेबल से, टू वन जा टू इंडिया, टू टू जा फोर इंडोनेशिया, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स नंबर पे पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के बाद में बात करें तो पाकिस्तान के साथ में जब देश आजाद हुआ था तो पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, साथ में मतलब सातवें नंबर पे, तो सातवें नंबर पे हमारे बगल का एक देश और था जिसका नाम है, बगल से बना बांग्लादेश, और जो पाकिस्तान के साथ में पहले जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो हमने दो के पहाड़े से याद किया इंडिया, दो दो नहीं चार, इंडिया से बना इंडोनेशिया, दो तीन छह, इंडिया का ही एक पार्ट पाकिस्तान, और सातवें नंबर पे बात की तो पाकिस्तान के साथ में था पहले बांग्लादेश, जो कि अब एक अलग देश बन चुका है। ठीक है, लेकिन पहले साथ में था। ठीक है, और अब हमारे भारत के बगल में देश है, तो बगल में है तो बांग्लादेश है, और पाकिस्तान के साथ में है तो पाकिस्तान के जस्ट बाद में, छठे के नंबर बाद में सातवां कौन सा है, बांग्लादेश। फिर हमने एक चाइना, दो भारत, चार इंडोनेशिया, छह पे पाकिस्तान, सात पे बांग्लादेश। टॉप टेन में से हमने पांच देशों के नाम तो एक छोटी सी ट्रिक से हमने याद कर लिए। फिर बात करें कि देखो, एक गाना है ब्राजील, ब्राजील आपने गाना का नाम सुना होगा, जो लगभग हर शादी ब्याह के अंदर हर पांच मिनट बाद बजता है, बहुत फेमस गाना है, जिसपे जिसको डांस करना नहीं आता वो भी कूदता है। तो यहां पर हर पांच मिनट बाद पे वो ब्राजील ब्राजील गाना बजता है। तो याद रखो कि पांचवें नंबर पे जो कंट्री है इंडोनेशिया, सॉरी ब्राजील है, टॉप टेन कंट्री में से फिफ्थ नंबर पे, सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं जनसंख्या के आधार पर, तो फिफ्थ रैंक पे जो कंट्री बैठती है उसका नाम है ब्राजील। और याद करने का तरीका है कि हर शादी ब्याह में हर पांच मिनट बाद एक गाना बजता है, उसका नाम है ब्राजील। क्लियर, तो हमारे सामने एक दो चार पांच छह सात, अब बचा नंबर तीन। तो तीन जो नंबर है, ठीक है, ये है यूएसए। तीन इंग्लिश में इसको तीन नाम है, यू तीन लेटर है, यूएसए, और थर्ड रैंक पे बैठता है। तो हमने एक से लेकर के सात तक के जो नाम थे वो सारे याद कर लिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे चाइना, सेकंड नंबर पे भारत, दो एक हम दो भारत, दो दो नहीं चार इंडोनेशिया, दो तीन छह पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ में बांग्लादेश सात, फिर छठे नंबर पे बात हो गई, सात पे हो गई, पांच पे, हर पांच मिनट बाद में गाना बजता है शादी ब्याह में, तो ब्राजील, और तीन लेटर में बना हुआ देश यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। सब में एक एक अक्षर शब्द आ रहा है, इसमें तीन शब्द आ रहे हैं, संयुक्त राज्य और अमेरिका। चलो, सात नाम याद हो गए। अब टॉप टेन की बात कर रहे हैं, तो देखो यहां पर ये दसवें नंबर की बात करते हैं, तो दसवें नंबर का देश का नाम है जापान। यहां पर एक पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा ये पकड़ दस रुपए का नोट, ये पकड़ दस रुपए और जा और पान लेके आ। क्या लेके आ? पान लेके आ।
कितने रुपए दिए? 10। 10 रुपए दिए और क्या लेने के लिए भेजा? पान लेने के लिए उसको भेजा। ठीक है, पहले दिन 5 रुपए दिए, वो बच्चा 5 रुपए लेकर के पान लेने चला गया। दूसरे दिन पापा के पास में 9 रुपए थे, पापा ने कहा बेटा ले 9 रुपए और पान ले किया। तो बच्चे ने कहा पापा 9 रुपए का पान नहीं आता। तो बच्चा क्या गया? बच्चा रूस गया। बच्चा क्या गया? रूस गया, क्योंकि रुपए कितने थे? 9, और 1 रुपए कम होने के कारण बच्चा रूस गया। तो 9वें नंबर पे जो कंट्री है वो कौन सी है? रूस, रूसी गणराज्य। तीसरे दिन पापा के पास 1 रुपया और कम था, अब तो रुपए 8 ही बचे। पापा ने कहा बेटा आज रूस ना मत, आज तो 8 ही रुपए ले, पान ले किया। तो बेटे ने साफ मना कर दिया, नहीं जा रहा। नहीं जा रहा मतलब नाइजीरिया, नहीं जा रहा। कहता है ना कि मैं तो नहीं जा रहा, तू जा। तो नहीं जा रहा मतलब नाइजीरिया, और ये 8 रुपए मतलब 8वें नंबर पे जो कंट्री है उसका नाम है नाइजीरिया। तो हमने बात की टॉप 10 कंट्रीज के नाम, जो हमने एक छोटी सी ट्रिक से याद किए। फर्स्ट नंबर पे चाइना, सेकेंड नंबर पे हमारा इंडिया, इंडिया से बना इंडोनेशिया, फोर्थ नंबर पे पाकिस्तान, 2, 3, 6 नंबर पे उसके बाद उसके साथ में है बांग्लादेश, तो 7वें नंबर पे, फिर 5वें नंबर पे हर 5 मिनट में गाना बजता है तो ब्राजील, 3 शब्दों से मिलकर बनाया संयुक्त राज्य अमेरिका USA, तो 3rd नंबर पे, 10 रुपए में मंगाया जाता है पान जापान, 1 रुपए कम पड़ा तो बच्चा गया रूस। ठीक है, 8 रुपए के अंदर मना कर दिया कि मैं नहीं जा रहा तो नाइजीरिया। तो हमने ये टॉप 10 की बात की। अब कुछ बातें करते हैं हमारे इंडिया के बारे में कि इंडिया जो है उसकी क्या कंडीशन है, उसका क्षेत्रफल क्या है और यहां की स्थिति क्या है। भारत, अभी हम जो जनसंख्या के आंकड़ों की बात जो कर रहे हैं तो हम आंकड़ों की बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अगर अनुसार हम बात करते हैं, ठीक है, तो भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 121 करोड़। कितने करोड़ है? 121 करोड़ जनसंख्या भारत की है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगली जनगणना जो है 2021 में होगी, तब तक हमें 2011 के आंकड़ों पर ही काम करना पड़ेगा। कुल जनसंख्या की बात करें, ठीक है, तो कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। अच्छा, विश्व की जनसंख्या की बात करें, अगर हम विश्व की जनसंख्या से तुलना करें, विश्व की जनसंख्या का कितना भाग है? विश्व की जनसंख्या का कितना भाग है जो भारत में निवास करता है? तो विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.3%। कितना प्रतिशत है? 17.3% भाग भारत में निवास करता है। याद करने का एक छोटा सा तरीका है कि देखो भारत की जनसंख्या है खतरा, इसीलिए आंकड़ा है 17, इसीलिए नंबर है 17। भारत की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि ये दुनिया के लिए बन रहा है एक खतरा, तो ये है बढ़ती जनसंख्या है एक खतरा, क्योंकि यहां पर आंकड़ा है 17। तो विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.3% 17.3% भारत में निवास करती है। अच्छा, फिर उसके बाद बात करते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल जो है, भारत का जो क्षेत्रफल है ₹32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। है भारत का क्षेत्रफल। अगर इस क्षेत्रफल की विश्व के क्षेत्रफल के साथ तुलना की जाए
ठीक है, तो विश्व के क्षेत्रफल का, या ऐसे कहें कि टोटल जो विश्व की जो किलोमीटर की जो परिधि है, क्षेत्रफल कह सकते हैं इसको, विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% या 2.4% भूभाग जो है, जो विश्व का स्थलीय, जो शब्द में भूल रहा था वो ये है, विश्व के स्थलीय क्षेत्रफल का, कौन से का, स्थलीय क्षेत्रफल का, विश्व के स्थलीय क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग भारत में है, जिस पर जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की लगभग 17.3% निवास करती है। तो ये हमने जनसंख्या का छोटा सा एक एनालिसिस किया कि भारत की जनसंख्या और विश्व की जनसंख्या की क्या कंडीशन है। ठीक है, तो भारत में 121 करोड़ जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या का 17.3%, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर और विश्व के स्थलीय क्षेत्रफल का लगभग 2.4%। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भारत के राज्यों की क्या दशा है। भारत के राज्यों की क्या दशा है, तो आप सभी जानते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या अगर जनसंख्या की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो स्टेट है तो वो कौन सा है, यूपी है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला अगर राज्य है तो कौन सा है, यूपी है, जिसमें लगभग 19 अरब 95 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। 19 अरब 19 करोड़ 19 करोड़ 95 लाख। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भारत में अगर है तो वो यूपी है, जिसमें 19 करोड़ 95 लाख जनसंख्या निवास करती है। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या की अगर हम बात करें कि सबसे कम जनसंख्या कहां पर है, ठीक है, तो वो है सिक्किम। इसको याद करने का एक तरीका है, सर इसको याद कैसे करें, आंकड़े हैं तो देखो, अगर मैं पूरे भारत से क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, तो बताओ सबसे ज्यादा आंसर कहां से आएंगे, उत्तर प्रदेश से आएंगे, क्योंकि जनसंख्या कहां से है, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर से। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो उत्तर कहां से आएंगे, उत्तर तो उत्तर प्रदेश से ही आएंगे। तो जब उत्तर उत्तर प्रदेश से आएंगे तो सबसे अधिक जनसंख्या भी कहां की है, उत्तर प्रदेश की है, ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या कहां की है, तो वो है सिक्किम की है, लगभग 6 लाख। लगभग कितना है, 6 लाख जनसंख्या लगभग, और कुल जनसंख्या का लगभग 0.5% है, 0.05% 0.05% है कुल जनसंख्या का, जबकि ये जो यूपी की जनसंख्या है वो 16% के लमसम है, 16.49%। तो हमने बात की सबसे अधिक जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या वाले दो राज्यों की, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात कर रहे हैं कि भारत के टॉप 5 ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो ये तो हमने एक छोटा सा आंकड़ा सबसे कम और सबसे ज्यादा का लिया, और अब हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा वाले टॉप 5 जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नाम आया था अभी आपके सामने और वो नाम था यूपी, मतलब क्वेश्चन पूछूंगा तो सबसे अधिक आंसर कहां से आएंगे, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। दूसरे बाद जनसंख्या में
जो राष्ट्र है वो भी कम नहीं है, वो भी महान राष्ट्र है, और वो कौन है? महाराष्ट्र। जनसंख्या में सबसे ज्यादा यूपी, उसके बाद में अगर कोई महान है सबसे अधिक तो वो है महाराष्ट्र। तीसरे की अगर हम बात करें तो जो दुनिया में सिर्फ इसीलिए हार रहा है, क्यों? जिसकी दुनिया में हार का कारण एक ही है, जनसंख्या, तो वो है बिहार, जो सबसे अधिक जनसंख्या में नंबर 3 पे अपना स्थान बनाकर बैठा हुआ है बिहार। चौथे की अगर हम बात करें तो बिहार के बगल में बंगाल, बिहार के बगल में कौन है? बंगाल। पश्चिम बंगाल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो फिफ्थ रैंक पे, पांचवें नंबर पे जो है, जहां पर आंधी तूफान की तरह जनसंख्या बढ़ रही है, तो वह है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो बच्चों आज हमने बात की सबसे कम और सबसे ज्यादा भारत में जनसंख्या वाले प्रदेश कौन से हैं। फिर उसके बाद हमने बात की कि भारत में टॉप ऐसे 5 राज्य जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो सबसे 5 राज्य हैं यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आपके हैं आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।